तर बातमी आहे संजय राऊत यांच्या संदर्भात. एनडीए मध्ये एकेकाळी कोणी नसताना शिवसेनेने सोबत राहून एनडीएला वाचवलं अशी प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी दिली आहे. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीबद्दल माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. तसंच भविष्यामध्ये शिवसेनेची सत्ता स्थापन झाल्यास राष्ट्राला समर्पित असं कार्य करू असं देखील संजय राऊत म्हणालेले आहेत. समझने की कोशिश करनी चाहिए. दिल्ली में बड़े बड़े बादशाह आए और चले गए, लेकिन इस देश का लोकतंत्र कायम है. जनता सबसे बड़ा भगवान है. अपने आप को भगवान समझने की कोशिश किसी ने नहीं करनी चाहिए. कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है, ये कोई नहीं रहता है भगवान वगैरह. तो आज जो स्थिति महाराष्ट्र में पैदा हुई है या पैदा करने की कोशिश की है, मुझे लगता है ये अपने आप में एक अहम अहंकार की बात है. जो बात शिवसेना के बारे में तय हुई थी, वो अगर आप पीछे हटते हो और अपने आप को भगवान समझते हो तो ये ठीक नहीं रहेगा. देखिए, दिल्ली हो या देश की सत्ता हो, कोई अमर पट्टा लेकर यहाँ नहीं आता है. एक जमाना ऐसा आया था कि एनडीए में दो या तीन लोग बचे थे, उसमें से शिवसेना थी. हमने एनडीए बचा के रखा, हमने एनडीए बचा के रखा. इतने हालत आ गए, कितने मोह के प्रसंग आ गए, लेकिन हमने एनडीए को टूटने नहीं दिया, हमने बीजेपी को छोड़ा नहीं. लेकिन आज किसी को लगता है हम भगवान है और हम सब कुछ कर सकते हैं और शिवसेना को एनडीए से बाहर निकालने की आप बात करते हो, तो मैं कहूंगा आप भगवान नहीं हो. शिवसेनेनेच एकेकाळी एनडीएला वाचवलं आहे आणि त्याच एनडीएमधून बाहेर काढण्याची भाषा जर केली जात असेल तर भाजपने स्वतःला देव समजू नये असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.